कुख्यात अयूब खान को पटना एसटीएफ की टीम ने पूर्णिया के बौंसी थाने के समीप से शनिवार की देर शाम गिरफ्तार कर लिया। अयूब खान की गिरफ्तारी उस समय हुई जब वो परिवार के साथ गंगटोक से नए साल की पार्टी कर मुजफ्फरपुर लौट रहे थे। अयूब पर सिवान के तीन युवकों को अगवा कर ठिकाने लगाने का आरोप है। इस मामले में सिवान नगर थाना में प्राथमिकी भी दर्ज हुई है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस अयूब की तलाश में जुटी थी। अयूब खान रईस खान के बड़े भाई हैं। बता दें कि 7 नवंबर को तीन युवक सिवान शहर से निकले। 8 नवंबर को उनकी काले रंग के स्कॉर्पियो गोपालगंज के मीरगंज थाना क्षेत्र के साबिया के पास लावारिस हालत में पुलिस ने बरामद की थी, लेकिन युवकों का सुराग नहीं मिला। तीनों युवक शहर के रामनगर निवासी विशाल सिंह, हुसैनगंज थाना क्षेत्र के पैगंबरपुर निवासी अंशु सिंह, जीरादेई थाना क्षेत्र के भलुआ निवासी परमेंद्र यादव हैं। मामले में पुलिस ने विशाल के दोस्त संदीप को गिरफ्तार किया था। संदीप ने पूछताछ के बाद अयूब खान का नाम लेते हुए तीनों का ठिकाना लगा देने की जानकारी दी थी। इसके बाद नगर थाना में विशाल सिंह की मां के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई और पुलिस एसआईटी की मदद से उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी। सिवान नगर थाना क्षेत्र के जेपी चौक स्थित भोला चाय दुकान पर शुक्रवार देर शाम नगर थाना की गश्त दल ने नशा की सामग्री बिक्री होने की सूचना पर छापेमारी की, जहां पुलिस को देख लोगों में भगदड़ मच गई। नशे की सामग्री वाला न्यूज काट देना है, सिवान नगर थाना क्षेत्र के पास से इसको काट के अलग कर देना है।